वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपना SSL को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे पहले हम SSL के बारे में जान लेते हैं कि SSL होता क्या है और SSL को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, वो हम बाद में देखेंगे। कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि SSL होता क्या है। SSL क्या एक सिक्योर सर्टिफिकेट है जो हमें एक इशू किया जाता है जिससे हम अपनी साइट को सिक्योर कर सकते हैं हैकर से। जो हमारे साइट में हैकर्स घुसते हैं जो हमारा डाटा चोरी करने के लिए, हम उससे अपनी साइट को सिक्योर कर सकते हैं, उसको हम SSL कहते हैं। SSL एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रैंकिंग के लिए भी। जो 200 फैक्टर्स हैं गूगल के SEO रैंकिंग के लिए, उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आपको अपनी साइट सिक्योर करनी पड़ती है। गूगल उसको सबसे ज़्यादा आगे करता है जिसकी साइट सिक्योर होती है, क्योंकि सिक्योर साइट को गूगल ने, हमने काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, कुछ टाइम से गूगल उन्हीं को आगे कर रहा है जिनकी साइट सिक्योर है। तो इसलिए आपको अपनी साइट को सिक्योर करना चाहिए। और सिक्योरिटी से आपके कुछ और फ़ायदे भी हैं। आपकी साइट को कोई हैक नहीं कर सकता। अगर कोई साइट हैक करने की कोशिश कर रहा है तो वो आपको पहले ही प्रिडिक्ट कर देगा, तो आप वहाँ से अपनी साइट को ऑफ कर सकते हो और फिर अपने आप जो चेंजेस हैं वो करके अपनी साइट को सिक्योर रख सकते हो और आपका डेटा भी सेफ रहेगा। काफ़ी चीज़ें हो जाती है जहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल जाती है अपनी साइट को ग्रो करने में। तो SSL बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। जैसे आप देख सकते हैं आपकी HTTP होगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और साइड में आपने लिखा हुआ होगा अनसिक्योर साइट, ठीक है। उसको सिक्योर करने के लिए हम SSL सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं। जब उसके साथ हम S लगाते हैं HTTPS, तो हमारी साइट सिक्योर हो जाती है। तो इसलिए हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, SSL सर्टिफिकेट को यूज़ करते हैं। और इसलिए ये वीडियो मैंने पूरी बनाई है कि कैसे आपको SSL फ्री में लेना है और उसको कैसे इंस्टॉल करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट करना और शेयर भी ज़रूर करना। अगर भूलेगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेट्स मूव टू द स्क्रीन। अब हम अपना गूगल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सर्च करना है क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर एक वेबसाइट है जो हमें फ्री में SSL प्रोवाइड करती है। तो अब हम देख लेते हैं कैसे उसमें से हम SSL लेना है। तो हम यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर अकाउंट खोल लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे करना है अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद पहले हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने भी नहीं किया है। यहाँ पे मैं भी अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ साथ ही साथ। ये वीडियो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए भी कर ही रहा था, तो मैं सोचा आप लोगों के लिए भी बना दूँ तो ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो इसलिए मैं अब यहाँ पर अपना अकाउंट भी आपके साथ ही क्रिएट कर रहा हूँ, और जो प्रॉब्लम आएगी मुझे भी, मैं भी वही प्रॉब्लम फेस करूँगा। तो इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे क्या डालना है, आपको अपनी वेबसाइट डालनी है। वेबसाइट डालने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड साइट। ये आपकी साइट यहाँ पे ऐड हो जाएगी जिस साइट में आपको SSL कॉन्फ़िगर करना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी shivamgandhi.in डाल दिए। ये ऐड साइट होती ही, जैसे ये ऐड साइट हो गया है, जैसे कि मेरी साइट ऐड हो चुकी है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे फ्री वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। फ्री प्लान, हमें प्रो प्लान ही लेना है, ये फ्री प्लान लेना है क्योंकि ये फ्री में हम करना चाहते हैं, हमें फ्री में SSL चाहिए। तो हम फ्री प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं और कंफर्म प्लान कर देते हैं। यहाँ से क्या होगा, हमारा फ्री प्लान में हमें फ्री SSL भी मिलेगा, तो हमें वो लेना है। तो हमने फ्री प्लान चूज़ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, कुछ DNS में अपने चेंजेस करने हैं। जैसे कि ये हमारे को DNS का रिकॉर्ड्स आ गए, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्टली कन्फर्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अपने कोई भी चेंजेस किए तो ये नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस मत करना, डायरेक्टली इसको कंटिन्यू कर दो। अब हमें क्या करना है, नेम सर्वर को चेंज करना है। यहाँ हमें दो नेम सर्वर दिए हैं और ये हमारे पहले के नेम सर्वर है, हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है बस। यहाँ से हम नेम सर्वर को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको आपका जहाँ से आपने डोमेन लिया है, जो भी आपका डोमेन प्रोवाइडर है, वहाँ चले जाओ। वहाँ जाने के बाद आपको अपना DNS ओपन करना है। DNS ओपन करने के बाद आपको नीचे सबसे एंड में आपको मिलेगा नेम सर्वर, जो GoDaddy अपना नेम सर्वर यूज़ करके रखता है, हमें वो चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद ये आपको दो नेम सर्वर दिखा रहा है। अब हम इन दोनों में से ये दोनों को चेंज कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, चेंज करना है, एंटर अ न्यू ऑन सर्वर। अब हमें यहाँ पे उनको पेस्ट कर देते हैं वहाँ से कॉपी करके। यहाँ से मैं नेम सर्वर सेकेंड कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, हमारा नेम सर्वर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जिससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट पे कोई भी आएगा तो रिफ्लेक्ट क्लाउडफ्लेयर के सर्वर पे भी करेगा, तो क्या होगा, वो तभी हमें SSL भी मिल पाएगा। तो हमें ये करना पड़ता है, जैसे ये करेगा तो हमारा डोमेन वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया कंटिन्यू। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नेम सर्वर अपडेट कर दिया है, तो क्या होगा, आपका एकदम नहीं होता नेम सर्वर अपडेट, तो हमें क्या करना पड़ता है, दो मिनट वेट करना पड़ता है।
जैसे अभी मेरा नेम सर्वर अपडेट नहीं हुआ है, ये ओल्ड ही दिखा रहा है, मैं एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ उसको, क्योंकि आप एक दो बार रिफ़्रेश करेंगे ना तो आपका नेम सर्वर अपने आप ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा नया नेम सर्वर, जैसे कि मेरा एक ही बार रिफ़्रेश में आ गया, ठीक है ये चेंज हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके इसको कंटिन्यू कर देते हैं, डन हो चुका है, हम चेक कर लेते हैं, चेक करके ये हो चुका है क्लियर। अब हमें चूज़ करना है SSL, हमें फुल SSL चाहिए या फ्लेक्सिबल चाहिए, तो हम क्या करते हैं फुल SSL को सिलेक्ट कर लेते हैं। फुल SSL को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ऑलवेज यूज़ HTTPS, इसको हम ऑन कर देते हैं क्योंकि हमें हमेशा HTTPS ही चाहिए, हमें सिक्योर रहे। यहाँ से हम इसको डन कर देते हैं, ठीक है। डन करने के बाद आपका कुछ ऐसे टाइप का पेज खुल जाएगा, तो अब हमें क्या करना है ओवरव्यू में चल जाते हैं, ठीक है। ओवरव्यू के बाद हमें जाना है SSL TLS में, क्योंकि वहीं पे हमारा SSL सर्टिफिकेट है। मैं अपना वर्डप्रेस लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। वर्डप्रेस लॉगिन में मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना SSL चेक करने के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले क्या करता हूँ मैं, अपना एक बार अकाउंट चेक कर लेता हूँ SSL में कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी SSL को इंस्टॉल होने में टाइम लगता है, बट क्या करते हैं कि हम पहले अपनी साइट एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर मैं HTTPS यूज़ कर रहा हूँ तो अभी मेरे पास क्या एरर आ रही है, क्योंकि हमें तभी पता चल पाएगा कि अगर भी सिक्योर हुई है या नहीं हुई है। मैं यहाँ पे अपनी साइट डाल के आपको दिखा देता हूँ, कहीं आपको ये ना लगे कि मैंने पहले से ही कर रखा है। अभी मैं अपना इंस्टॉल कर रहा हूँ तो ये आ रहा है योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, क्योंकि अभी हमें आ रहे साइट पर SSL इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो हमें SSL इंस्टॉल करने के लिए मुझे एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है SSL, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उस पर चले जाते हैं, एड न्यू प्लगइन। एड न्यू पे क्लिक करने के बाद हम एक प्लगइन को सर्च करेंगे जिसका नाम है SSL, यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं SSL। SSL टाइप करने के बाद आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसे कि मेरे को यहाँ पे कुछ सारे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो हमें पहला वाला यूज़ करना है रियली सिंपल SSL सर्टिफिकेट, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे, जिससे हमारे लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा कि बता देगा कि हमारा SSL सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेकिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद आपको एक्टिवेट करने के बाद हमको जाना है उसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि ये दिखा रहा है SSL नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये हमें कुछ एरर्स आ रहे हैं साइड में SSL के साथ, ये इसका मतलब SSL अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अपनी साइट एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे यही एरर है। तो अब हमें क्या करना है, पेज रूट क्रिएट करना है। तो हम पेज रूट पे क्रिएट करने के लिए हम जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मतलब यूज़फुल फॉर HTTPS कहीं आ रहा है, कि जो मतलब रीडायरेक्ट करे HTTPS पे, ठीक है। बट अभी नहीं आ रहा, इसका मतलब हमें SSL अलॉट नहीं हुआ है। तो SSL अलॉट नहीं हुआ है तो अब हमें क्या करना, तो अभी हमें अलॉट नहीं हुआ है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं SSL सर्टिफिकेट पे। अभी एस सर्टिफिकेट हमारे को यूनिवर्सल मिल चुका है। अब मैं चेक करता हूँ कोई चीज़ छोटी तो नहीं है, जैसे कि मैंने ऑन किया हुआ है सब चीज़ें, HTTPS पे हो रखा है, ठीक है। अब मैं अपनी साइट देख लेता हूँ, यहाँ पे यही एरर आ रही है। और एक बार मैं विदाउट HTTPS देख लेता हूँ एस हटा कर, कि मेरी साइट चल रही है कि नहीं चल रही है। विदाउट एस चल रही है, ठीक है, मेरी साइट मतलब सही से रन कर रही है, बट सिक्योर नहीं हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके एक SSL क्रिएट कर लेते हैं। जो सर्टिफिकेट हमें मिला है इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से हम क्रिएट सर्टिफिकेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नहीं छेड़नी है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट मिल रहा है, इसको या तो आप कॉपी कर लो, नहीं तो आप डायरेक्टली ही अपने जहाँ पर आपको होस्टिंग प्रोवाइडर है उसमें SSL में जाके वहाँ पर ये पेस्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको एक बार कॉपी भी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने होस्टिंग प्रोवाइडर में चल जाता हूँ जहाँ से मैंने होस्टिंग ली है। होस्टिंग प्रोवाइडर में जाने के बाद आपको क्या करना है, SSL खोलना है। जैसे मेरे को ये SSL TLS दिख रहा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको जाना है इंस्टॉल एंड मैनेज SSL फॉर योर साइट। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी साइट जो भी इस पर भी आप ऐड कर रहे हैं वो सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी साइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी जो की मैंने देखी थी CRT की, उसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद
इसको पूरा एंड तक कॉपी करना है आपको। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्राइवेट की, तो जो नीचे की थी एक और, हम उसको कॉपी कर लेते हैं। इस प्राइवेट की को हमने पूरा कॉपी कर लिया और वहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको जाना है नीचे स्क्रॉल करके, यहाँ पे डालना है आपको सर्टिफिकेट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे जाके उस लिंक को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने स्ट्रीम प्रोवाइडर में और वहाँ जाके दोबारा से इसको पेस्ट कर देना है। वहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे हम सर्टिफिकेट। जैसे ही इंस्टॉल होता है सर्टिफिकेट, हम इसको एक बार चेक कर लेंगे कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया टॉप पर कि ये हमारा सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हम चल जाते हैं अपनी वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस पे जाने के बाद हमें क्या करना है, हम इसको डिटेक्ट करके चेक कर लेते हैं रीलोड करके। जैसे हम इसको रीलोड करेंगे ओवर HTTPS, तो हमें हमारी साइट खुलकर आएगी, बट अभी नहीं आ रही है। इसका मतलब अभी भी हमारा SSL इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जहाँ पे हमने कीज़ कॉपी करी थी उसको ओके करना है, क्योंकि ओके नहीं किया तो अभी सर्टिफिकेट आया नहीं है। जैसे अब हमने ओके किया तो यहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट आ चुका है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये सर्टिफिकेट आ चुका है, उसके बाद हम चलाते हैं ओवरव्यूज़ में। यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या करना है, एक पेज रूल क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। हमें इसे रीडायरेक्ट करेंगे अपने HTTPS पे। यहाँ पे हम अपनी साइट डाल देते हैं www.shivamgandhi.in। उसके बाद यहाँ पे हम .in डाल देता हूँ, shivamgandhi.in। उसके बाद स्लैश, आपको फिर वो एक करेक्टर देना है जो वो दे रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट में करेक्टर दिया है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑलवेज यूज़ HTTPS, फिर उसको करेंगे हम सेव एंड डिप्लॉय। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे सेव एंड डिप्लॉय पे, तो हमारा एक रूल क्रिएट हो जाएगा कि हमारी साइट पे कोई भी आए तो वो HTTPS पे रीडायरेक्ट हो जाए। तो अब हम इसको अब यहाँ से दोबारा चेक कर लेते हैं रीलोड करके। जैसे हम इसको रीलोड करेंगे, अभी भी हमें ये एरर दे रहा है, मतलब अभी भी कुछ चीज़ रहती है। हम फिर से चेक करते हैं रिफ्रेश करके। वर्डप्रेस पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, अपना एक काम करते हैं, अपने क्लाउडफ्लेयर पे जाने के बाद SSL में जाते हैं। SSL में जाने के बाद हम यहाँ पे जाके इसको फुल कर देते हैं फ्लेक्सिबल की जगह, क्योंकि हमने फुल प्लगइन जो डाउनलोड किया है फुल SSL वाला किया है, तो हम इसको फुल कर देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने DNS में एक बार हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स ठीक है। इसके बाद हमें अपनी साइट SSL एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि SSL चेकर में जाके कि हमारा SSL सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हमारा SSL इंस्टॉल हो चुका होगा सही से, तो हमारी साइट चल जाएगी। अब यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का URL डाल देते हैं, जैसे मेरा है shivamgandhi.in, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और उसको चेक कर लेता हूँ SSL को। चेक करने के बाद ये मुझे कोई एरर होगी तो वो बता देगा, नहीं तो ये बता देगा सारे ऑप्शन करेक्ट है। जैसे ये अब सारे ऑप्शन करेक्ट दे रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने वर्डप्रेस पे जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब हमारा कोई अब सारे एरर्स कंप्लीट, हमारा मतलब ये सॉल्व हो चुका है। तो क्या होता है, कई बार आपके ब्राउज़र का इशू भी जाता है। मैं दूसरे ब्राउज़र पर चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL डालकर। जैसे मेरी अभी shivamgandhi.in पे ओपन हो रही है साइट, बट HTTPS लगा के चेक करना पड़ेगा कि हमारी सिक्योर साइट ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। ये हो रही है, मतलब HTTPS हमारा वर्क कर रहा है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जाके मतलब पहले मैं अपनी कुकीज हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ। क्या होता है, कई बार वो हिस्ट्री पुरानी वाली उठाता रहता है। यहाँ से मैं अपनी हिस्ट्री क्लियर कर लेता हूँ। हिस्ट्री को क्लियर करने के बाद हम जैसे यहाँ से 24 आवर्स की हिस्ट्री हमने डिलीट कर दी है। डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी साइट को दोबारा रीओपन करना है। साइट को रीओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रीलोड करना है जहाँ पे आपका HTTPS नहीं था, जो HTTPS हमने ऐड किया था उसको हम रीलोड कर लेते हैं। रीलोड करने के बाद आपकी साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। और आपका क्या है, आप अपने वर्डप्रेस में लॉग इन करके वहाँ से भी आप उसको रीलोड करेंगे, तो आपका ID पासवर्ड मांगेगा। जैसे मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ रीलोड करके, ये मैंने रीलोड किया, ठीक
है, अब यहाँ पे वो आईडी पासवर्ड मांगेगा मेरा दोबारा वर्डप्रेस लॉगिन के लिए। यहाँ पे अपना लॉगिन वर्डप्रेस करते ही वो एसएसएल दिखाएगा कि आपका हो चुका है। ठीक है, अगर आप चेक तो मेरा भी देख सकते हैं कि मेरा एसएसएल अब सिक्योर साइट दिखा रहा है, जैसे कि अब यहाँ पे लॉगिन हो गया है। लॉगिन होते ही नीचे मेरा शो कर रहा है ये, कहीं बार आपका दूसरे ब्राउज़र में आप चेक करेंगे जैसे मेरा यहाँ पे सिक्योर दिखा रहा है, तो आप इसको अब यहाँ पे नीचे क्लिक कर सकते हैं ऑलवेज, जैसे मेरी साइट सिक्योर दिखा रहा है, अभी ओपन भी हो रही है बट यहाँ पे अभी दिखा नहीं रहा। आप किसी और ब्राउज़र में चेक करेंगे तो आपका दिखा देगा। उसके लिए आप यहाँ पे अपना गो हेड एक्टिवेट एसएसएल भी कर सकते हैं, इसके बाद आपका कुछ चीज़ और एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है, और ये आपका एसएसएल ढंग से इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो अब मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूंगा, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो करके वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि कोई इशू आ रहा है, तो मैं वहाँ पे भी आपको मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। आपका इंस्टॉल हो चुका है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।